गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देव ऋषि भारद्वाज। टुडेज टॉपिक इज राइट हैंड थंब रूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो देखो, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मान लो कि आपने अपने हाथ में, राइट हैंड में, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो पकड़े हुए है। और किस तरीके से पकड़े हुए है? सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, उसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में है। तब देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, तो आपकी जो उंगलियां जो उस कंडक्टर पर मुड़ी हुई हैं, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। देखो डायग्राम में, आपने अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर है ये, इसको पकड़े हुए है, ठीक है। और आपका जो अंगूठा है वो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में है। तब आपकी जो उंगलियां हैं जो इस कंडक्टर को पर रैप्ड हैं, इस पर चारों ओर से पकड़े हुए हैं, इनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है। ये भी ऐसे ही हैं, देखो उंगलियां भी इस तरीके से ही मुड़ी हुई हैं, और करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो भी ऐसे ही होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यही है राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे ये तो मैंने समझाने के लिए बस एक ही सर्किल बनाया है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्किल बन जाएंगे। और ये जो कंडक्टर है, इसके पास में सर्किल बहुत पास पास होंगे, और जैसे इससे दूर होते जाएंगे सर्किल्स थोड़े दूर दूर बनते चले जाएंगे, उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा? एक ही होगा बीच में। जैसे इसका सेंटर ये कंडक्टर वाली लाइन में ही आएगा, पॉइंट यहीं पर होगा बीच में पॉइंट, ऐसी सबका सेंटर एक ही होगा, यानी सारे सर्किल कोसेंट्रिक सर्किल होंगे। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इन सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जैसे दूर चलते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक चीज से, देखो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बढ़ रही है उससे फर्क पड़ रहा है, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अधिक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अधिक होगा, अच्छा होगा। और अगर करंट जो फ्लो हो रहा है ये कमजोर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होगा, मतलब करंट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। इट, देखो मैग्नेटिक हेडिंग देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए वही हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर, इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल से, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? या तो राइट हैंड थंब रूल से या कंपास से। कंपास बताएगा रिफ्लेक्ट होकर कि डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, जहां पर कंडक्टर है उसके पास सर्कल्स क्लोजर होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी करंट अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये मैंने बताया अभी पॉइंट। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ये डिस्टेंस अगर कंडक्टर से ज्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं इसको। जैसे ये है एक सर्किट डायग्राम, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ से करंट आया इसका मतलब, और ऐसे होता हुआ इधर को गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। अगर हम इसको, कंडक्टर को अपने थंब रूल से देखें, तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा और उंगलियाँ इस तरीके से रोटेट होंगी इसके, ऐसे, ठीक है। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ऐसे ही होगा, दिख रहा है डायग्राम में, और बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और इस डायग्राम में देखो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्कल्स सेंटर में ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा।
और दूर 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 जाने पर इनके बीच में थोड़ा गैप बढ़ता चला जाएगा, ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का कैसे पता लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो थैंक यू।